श्रमिकों का माई बाप कौन होगा? दिल्ली सरकार की नीति अलग है और केंद्र सरकार ने अपनी नीति अलग बना रखी है। 2020 से लेकर 2021 तक किस माली को कोर्ट जेल के अंदर डाला है या पीएम साहब बता दें। घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही है, लागू कुछ भी नहीं हो रहा है। हर एक फेडरेशन से एक आदमी आया हुआ है, आने से हजार लोग आए हैं। 11 अरे भैया कोविड में आपकी इमरजेंसी में आ गया, पहले आप अपना मास्क लगाओ ना। आप मास्क लगाओ ना, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं काम छोड़कर आया हूँ। जी जी हो गया, कोई बात नहीं। जी 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 मैंने बोला ना कि आज कृष्णा का फोन आया था कि वो तो मिलेंगे नहीं, यादव जी मिलेंगे, यादव जी को दे देंगे इससे ज्ञापन वगैरह जो है उसके अंदर। सर अरे ज्ञापन तो ले लो, ज्ञापन लेने में क्या परेशानी हो रही है? आप यहाँ भेज दो किसी को, या तो भेज दो और क्या। नहीं सर, या तो नो फेडरेशन, हमसे मिलना है सर, नो है, मिलने हैं। ये कह रही है लता वगैरह है, अनुराग जी से बात करो। इसलिए आए थे लेबर कमिश्नर से। एक बात याद हुई आज से, ये करने आए हुए थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 2% काम हो रहा है, 2% वर्कर जा रहे हैं अंदर। अपने डिपार्टमेंट में कोई एक भी नहीं काम हो रहा, तीन तारीख से एक भी काम नहीं हो रहा कोई। अच्छा जो राज्यपाल का गजट है वो भी अधिकारी नहीं, अधिकारी है वो कहते भाई स्टाफ ही नहीं तो हम काम क्या करें। तो उनका तो कोई अधिकारी के चक्कर में काम नहीं हो रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो रहा है। चाहे आप जगमोहन से ERLC जो है निरंजन उनसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद कमिश्नर के साथ बात हो जाएगी। ठीक है, पांच लोग आ रहे हैं, बात करा दो उनसे, बात करा दो ना। एक मिनट ये बात करो, बात करा दो, आप उनसे बात करा दो, वो खड़े हैं। नमस्कार, मैं जय निवास, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे साथ कई यूनियन के लोग जो दिल्ली प्रतिनिधित्व करते हैं, ये फेडरेशन के लोग हैं और दिल्ली यूनिट के मुख्य हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो हमारे पीछे दिल्ली लेबर कमिश्नर का बोर्ड दिख रहा है, यहाँ ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली ये जगह है दिल्ली लेबर कमिश्नर, ये राजपुरा रोड पर ये लोग पहुँचे हुए हैं और किस मुद्दे को लेकर पहुँचे, वो भी लॉकडाउन के अंदर जब ओमिक्रॉन तेज है, मामला क्या है इनसे जानते हैं। जी मैं अपना परिचय बताएंगे और क्या हम लोगों ने जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने आज डिसाइड किया था कि आज हम यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण हम एक बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों ने आपस में ये सोचा कि क्यों ना एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा हर यूनियन से और जो हमारा डिमांड लेटर है हम उसको सबमिट करेंगे। लेकिन आपने देखा ही है कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो किस तरीके से हमको यहाँ पर रोका गया, उसके बाद हम बहुत मुश्किल से अंदर गए हैं और फिर अंदर भी हम ये सिर्फ 4 या 5 प्रतिनिधियों को ही अंदर जाने की एंट्री मिली है। तो हमने उसका भी विरोध किया है, हमको एडिशनल कमिश्नर SC यादव जी से मुलाकात हुई है। इसका संदर्भ ये है कि दिल्ली के अंदर सभी ट्रेड यूनियंस 25 नवंबर को हड़ताल किए थे और हम लोगों ने 21 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के उपराज्यपाल को, दिल्ली के श्रमायुक्त को, सभी को हमने ज्ञापन दिया था मांग पत्र के साथ में। उसके ऊपर इन्होंने अभी तक भी ना तो कोई वार्ता की, ना बातचीत के लिए बुलाया, ना कोई समाधान किया। तो हम लोगों ने अपना आगे यही बैठक करके तय किया था कि उन मांग पत्र पे दबाव बनाने के लिए हम अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, उसका रूप बदलेंगे। और इसी कड़ी में हमने मनीष सिसोदिया जी का पुतला दहन की बात रखी थी 11 तारीख को यहाँ पर। आज जैसा लता जी ने बताया, आज यहाँ पर विशाल प्रदर्शन हमने तय किया था, मगर चूँकि अभी ओमिक्रॉन वायरस की जो लहर चल रही है, प्रभाव है, उसके चलते अभी हमने उसको पोस्टपोन किया है। हम वो प्रोग्राम ज़रूर करेंगे क्योंकि लगातार जो संवादहीनता की स्थिति बना के रखी हुई इन्होंने, संवेदनहीनता भी है, संवादहीनता भी है। मजदूरों के विषय पिछले 2 साल से लगातार पेंडिंग चल रहे हैं, उसके ऊपर लगातार ट्रेड यूनियंस की तरफ से, संयुक्त प्लेटफॉर्म की तरफ से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई वार्ता नहीं चल रही, कोई समाधान नहीं किया जा रहा। ये कोरोना काल में मजदूरों का एक्टिव होना और इस बीच वर्चुअल की बात करना, रिटर्न की बात करना और दफ्तर खाली है तो काम भी होना है, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है आप बताएंगे? आज वो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की थी जो यहाँ लेबर कमिश्नर से मिलने आए थे। फिलहाल अभी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, 2019 एंड से कोरोना आया,
20 कोरोना में गया, 21 कोरोना में गया। 2020 और 21 के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बता दें कि 2020 से लेकर 2021 तक किस माली को कोर्ट जेल के अंदर डाला, या पीएम साहब बता दें। घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, लागू कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी जो 2022 के अंदर जो कोरोना आया है, अभी स्टार्टिंग में जैसी इंडस्ट्रीज ने थोड़ा पिकअप पकड़ी थी काम को, वैसे इन्होंने लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के गए थे ज्ञापन देने, और वो ज्ञापन हमने खाली श्रमायुक्त को नहीं दिया है, बल्कि उपराज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को, श्रम मंत्री और गोपाल राय जी को भी दिया है, जिससे इस पे अमल हो। और इस पे हम ज़बरदस्त विरोध करते हैं। आज के डेट में मजदूर भूखा मर रहा है। 2016 को जो गजट पास हुआ था, वो गजट हमारे सचिव, बोर्ड के उप सचिव, जिला कार्यालय के कोई भी नहीं मानते हैं, और उनके विभाग के अधिकारी भी नहीं मानते, तो श्रमिकों का माई बाप कौन होगा ये कोई नहीं जानता। इस बीच सबके नेतृत्व करने HMS दिल्ली के नारायण सिंह क्या कुछ कहना चाहते हैं, देखिए। आज हम लोगों ने जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने जो 4 कोड लागू किए हैं, हमारे आज अनुराग जी के नेतृत्व में जो SC यादव जो एडिशनल कमिश्नर है, उसको कह दिया और ज्ञापन में कह दिया कि दिल्ली के अंदर किसी भी हालत में हम 4 लेबर कोड को लागू नहीं होने देंगे। आज दिल्ली के 50 लाख जो श्रमिक है फैक्ट्रियों में, छोटे मोटे फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हम आए हुए हैं। दिल्ली सरकार की नीति अलग है और केंद्र सरकार ने अपनी नीति अलग बना रखी है। केंद्र सरकार के जो श्रम कार्यालय हैं उसके अंदर स्टाफ भी काम कर रहा है, और वहाँ मजदूरों की वर्करों को केस पे हाजिरी भी लगा रहे हैं और उनकी कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लॉकडाउन लगाएंगे नहीं, लेकिन इनके डिस्ट्रिक्ट है जो 9 जिले बने हुए हैं, 9 जिलों में मजदूरों की पर मजदूरों को अंदर जाने पे रोक लगा रखी है। अधिकारी आके बैठते हैं, अधिकारियों से जाके हम मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं हमारे को स्टाफ तो दे नहीं रखा, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आज दिल्ली के अंदर हम केजरीवाल और दिल्ली के लेबर कमिश्नर को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार के जो 250 स्टाफ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं, JLC है, DLC है, ALC है, वो सब फ्री में तनख्वाह गवर्नमेंट की ले रहे हैं, और जिनको दिल्ली के 50 लाख श्रमिकों के हित के लिए करना चाहिए, आज मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। 3 जनवरी से श्रम विभाग बंद कर रखा है। हम पूछना चाहते हैं कि जिन श्रमिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, उसके बारे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। खाली दिल्ली सरकार ई श्रम कानून और जो रोजगार के लिए एक अभियान चलाकर जो दिल्ली सरकार है केंद्र के अंदर सत्ता हथियाने के लिए कर रही है। हम लोगों की एक मांग है कि जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में भिन्नता क्या है, कि ये जो दिल्ली सरकार है ये केंद्र सरकार की बी टीम है। आज ये दिल्ली सरकार कहती है कि हम मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अभियान चलाना चाहते हैं, लेकिन हम वो पूछना चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उनको न्यूनतम वेतन के नाम से जो मालिक कारखानदार है फैक्ट्री बंद कर करके बाहर जा रहा है, उसके लिए दिल्ली सरकार रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिए हम LG और दिल्ली के लेबर कमिश्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि जो कारखानदार यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा रखे हैं और जो ठेकेदारी प्रथा के नाम से यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है और बड़े पैमाने पर अस्थायी नौकरियाँ समाप्त की जा रही हैं, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के लिए, ठेकेदारी प्रथा का ये कानून था कि जहाँ ठेकेदारी प्रथा वहाँ लागू होगी, जहाँ पर अस्थायी काम है वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होगी, लेकिन यहाँ सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया है। जो केंद्र सरकार है वो सरकारी नौकरियों को खत्म करके सारे ठेके पर दे रही है, तो दिल्ली सरकार करेगी क्या? इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया हुआ है, और जो दिल्ली के जो SC यादव कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर, उनको कहा है कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून, हम दिल्ली सरकार के जितने भी हमारे 13 ट्रेड यूनियन संगठन हैं, इन्होंने पहले भी आंदोलन किया था और फरवरी के अंदर हम लोगों ने हड़ताल की काल भी दे रखी है, हम अपने आंदोलन किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे, उसको पुन जोर से हम लोग आंदोलन शुरू करके, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हमारे जो 13 संगठन है वो देंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध है। 3 पेजों का आज आपने एक एजेंडा तैयार किया है, इस 3 पेज के एजेंडे में ऐसा क्या कुछ खास है जो इस बार कुछ नया आप लेके आए हैं? देखिए, हम लोग ये लेकर आए हैं, दिल्ली सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर जो 4 लेबर कोड है उसका सबसे पहले विरोध होगा हमारा, और हम विरोध करके कई बार हम हड़ताल भी कर चुके हैं कि केंद्र सरकार ने जो कोड पास किया है बिगर बहस बिगर उसके क्या है, उसके खिलाफ हम लोग हैं, और आज लेबर कमिश्नर को यहाँ पे ज्ञापन भी दे रहे हैं और LG को भी ज्ञापन दे जाएंगे कि जो 4 लेबर कोड है, जो जब तक कोई
कोई भी सरकार अगर उसको चाहेगी तो लागू होगा, लेकिन हम केजरीवाल को बताना चाहते हैं वो उस लेबर कोड को हम किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। मजदूरों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे लेकिन इस कोड को लागू नहीं होने देंगे। मजदूर हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे लेकिन ये चार लेबर कोड जो लाया गया है इसे दिल्ली में नहीं लागू होने देंगे, ऐसा इन यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है। दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।